नमस्कार दोस्तों मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर आज मैं अक्षशा शेयर करने वाली हूं कि हमें सर्दियों में कौन कौन से प्लांट जल्दी से ले आने चाहिए तो चलिए आप शाद शेयर करती हूं जो विंटर में आपके गार्डन को पूरा फूलों से भर देंगे तो सबसे पहला प्लांट है ये गजानिया सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है और हमारे यहाँ तो इसमें अप्रैल तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है बहुत ही टिकाऊ फूल होता है और जहाँ पर थोड़ी ठंड पड़ती है तो ये जो फ्लावर है ये साल भर भी रह जाता है फिर से ये फ्लावरिंग करने लगता है नेक्स्ट ईयर में तो मेरे यहाँ पिछले साल का बचा हुआ है और फिर भी वो फ्लावरिंग कर रहा है तो इस प्लांट को आप जरूर से जरूर लगाएं विंटर में इसके बहुत सारे कलर भी आपको मिल जाते हैं तो गजानिया में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं ये देखिए पिंक कलर का है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसके अलावा आपको ऑरेंज दिख जाएगा इसमें भी सिंगल पेटल डबल पेटल बहुत सारे कलर आते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं तो मैंने ये सारे लगाए हुए थे इसके अलावा आप कैलेंडुला को भी लगा सकते हैं कैलेंडुला में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये फ्लावर तो इसमें मैंने देखिए ये लगाए हुए थे सिंगल पेटल डबल पेटल इसमें लाइट येलो ऑरेंज आपको ये सारे कलर मिल जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इसके अलावा आप पेंजी को लगा सकते हैं पेंजी बिल्कुल तितली जैसे फूल होते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इसमें भी आपको बहुत सारी कलर वैरायटी मिल जाती है इसके साथ साथ आप डायंथस को लगा सकते हैं डायंथस को कटिंग से लगाना भी बहुत आसान है इसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है तो सर्दियों में तो इतने सारे हमें कलर मिल जाते हैं ना तो पूरा गार्डन हमारा खुशनुमा हो जाता है तो ये सारे फ्लावर्स मैंने लगाए हुए थे पिछले साल जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अलावा आप एलाइसम को लगा सकते हैं ये देखिए कितना प्यारा लगता है ये फ्लावर बहुत ही छोटे 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 फूल आते हैं इसमें और ये जब पूरा फूलों से भर गया था उसकी पिक ली थी मैंने तो इसमें भी आपको कलर वेराइटी बहुत सारी मिल जाती है ये वाइट और पिंक लगाया था मैंने जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था इसके साथ साथ आप डहेलिया को लगा सकते हैं डहेलिया में भी आपको बहुत सारी वेराइटी मिल जाती है डॉर्फ डहेलिया भी आती है उसको भी आप लगा सकते हैं डहेलिया विंटर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है और एक ऐसा प्लांट है अगर हम इसकी अच्छे से केयर करें तो पूरे साल भर चल जाता है तभी मैं डहेलिया ज़्यादा से ज़्यादा लेती हूँ तो पिछले साल देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही थी और यही वाला प्लांट मेरा फिर से ब्लूमिंग कर रहा है तो ये सालों साल आपका प्लांट चल जाता है दो तीन साल तो चल ही जाता है गमले में भी अगर आपने देखे मैंने बाल्टी में लगाया था तब अच्छे से चल रहा है और मैं इसके लिए फर्टिलाइज़र भी शेयर करूँगी इसके साथ साथ आप विंटर में रैनन क्लस को भी लगा सकते हैं रैनन क्लस बिल्कुल गुलाब की तरह लगता है गुलाब नहीं है फिर भी गुलाब से कम नहीं है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो मैंने इसके बीज लगाए थे तो बीज तो हुए नहीं लेकिन बल्ब से आसानी से लग जाता है ये देखिए इसमें भी आपको बहुत सारी कलर वैरायटी मिल जाती है तो सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये नेक्स्ट है पिटोनिया पिटोनिया भी विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है लेकिन हमारे यहाँ जनवरी के मिड से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और मार्च अप्रैल तक बनी रहती है और इसके साथ साथ आप अफ्रीकन डेजी को भी लगा सकते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है और इतने सारे इसमें बंच में फ्लावर आते हैं तो आपका पूरा गार्डन फूलों से भर जाता है इसमें इसमें आपको डार्क पर्पल लाइट पर्पल और व्हाइट कलर मिल जाता है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है और मैंने इसके सीड्स लगाए थे और बहुत ही आसानी से हो गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है और अच्छे से देखभाल करें तो ये प्लांट अगले साल भी फ्लावरिंग करता है और इसके अलावा आप रिमला को भी लगा सकते हैं इसे प्रेम रोज़ भी कहते हैं इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं बस इसको एक बात का ध्यान रखना है इसे थोड़ी ब्राइट लाइट चाहिए ज्यादा धूप में नहीं अच्छे से चलता है ये पौधा और इसके साथ साथ आप फ्लॉक्स को लगा सकते हैं फ्लॉक्स बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है विंटर में ये मैंने लगाए हुए हैं और इसके साथ साथ आप बटन डेजी को भी लगा सकते हैं इसमें भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है छोटे छोटे बटन जैसे इसमें फ्लावर आते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने पिक ली है और मैं वीडियो ढूंढ रही हूँ मुझे मिल नहीं रही है तो इस वजह से मैं आपको पिक के माध्यम से दिखा रही हूँ जब ये प्लांट मेरे गार्डन में लग जाएंगे फिर से मैं आपको दिखाऊंगी तो दोस्तों ये थे कुछ विंटर फ्लावर जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी है विंटर के लिए तो इतने कलरफुल फ्लावर मिल जाते हैं तो ये कुछ जो प्लांट्स मैंने आपको दिखाए हैं पिछले साल के जो मेरा टेरेस गार्डन था उससे मैंने शेयर करी है तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी ये फ्लावर लाएं और अपने गार्डन को पूरा फूलों से भर दें तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय